इमामबाड़ा मोतवलियन कमेटी के बैनर तले बुधवार को दर्जनों मोतवलियों ने जिलाधिकारी को एक मांग पत्र ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने बताया कि इमामबाड़ा मोतवलियन कमेटी के बैनर तले जुलूस ए मोहम्मदी के संबंध में अभी तक मोतवलियों में ऊहापोह है कि कोई गाइडलाइन अनुमति लिखित में जुलूस ए मोहम्मदी उठाने के लिए कितने आदमियों के साथ जुलूस उठ सकता है, क्या क्या पाबंदियां हैं, कुछ भी नहीं मिला है। मोतवलियों को कैसे उठेगा जुलूस, इस संदर्भ में कोई सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। इस संबंध में एक मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है और जुलूस ए मोहम्मदी के संबंध में जारी गाइडलाइन के बारे में जानकारी देने की अपील की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने कहा, शाकिर अली सलमानी संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, सैयद इरशाद अहमद साहब। आज हम लोग जलूसे मोहम्मदी के संबंध में जिलाधिकारी गोरखपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इमामबाड़ा मतवलियान कमेटी और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संयुक्त तत्वधान में हमारे बीच में आदिल अख्तर खान साहब हैं और मोहम्मद रजी साहब हैं, सैयद इरशाद अहमद साहब की क़यादत में। मामला ये है कि अभी तक शासन प्रशासन के तरफ से जलूसे मोहम्मदी के उठाने के लिए कोई फार्म वितरित नहीं किया गया। निकालना है कि नहीं निकालना है जलूस, क्या कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, किन किन पाबंदियों के साथ जलूसे मोहम्मदी निकल सकता है, क्योंकि दुर्गा पूजा के मौके पर अपने अपने घरों में मूर्तियों को रखने के लिए आदेश आ चुका है और अपने घरों के दरवाजों पर, खुले में, चौराहों पर, रोड पर, गलियों में दुर्गा मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती। तो हम लोग भी डरे हुए हैं कि कोरोना काल में जलूसे मोहम्मदी कैसे उठाएं। हमारे ऊपर अगर जो पाबंदियां हैं तो हमें बता दे जिला प्रशासन कि जलूसे मोहम्मदी में निर्धारित संख्या रहेगी, इतनी संख्या रहेगी, इन इन पाबंदियों के साथ आप पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मना सकते हैं। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द क्लियर करे कि मोतवली लोग जो जुलूस की तैयारी कर रहे हैं, हम जान जाएं कि क्या क्या पाबंदियां हैं, क्या क्या छूट है।